दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस, योगेंद्र साहू क्लासेस। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कॉन्टैक्ट करें 8770123687 पर। चलिए आज पहला क्लास है इसलिए 6:30, कल से शाम 6 बजे, ठीक है। शुरुआत की क्लास मिस होगी, शुरुआत का 10 मिनट मिस होगा तो आगे का टॉपिक 2 घंटा खाली बैठे रहोगे, ठीक है। समझ नहीं आया। पहले दिन हर किसी के माइंड में ये आ रहा होगा जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दिलाएगा 23 जनवरी को, कि होगा या नहीं होगा। पहला सवाल यही आ रहा होगा, आना चाहिए, ठीक है। आपके पास आज 15 दिसंबर, ठीक है, 15 जनवरी, जस्ट 30 दिन और 7 दिन और लगभग मान के चलिए 37 डेज है, 40 दिन का क्रैश कोर्स 37 दिन है। 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें 40 मार्क्स आपके महिला एवं बाल विकास से संबंधित है, कोई सिलेबस देखा है, थोड़ा बहुत आइडिया, ठीक है, और बाकी कॉमन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और कौन सा, इंडियन जीएस भी है, ठीक। तो ये 40 मार्क्स और ये 160 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे आपके, ठीक। आपके पास बचा है 37 डेज, आप एकदम स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी ये किया जा सकता है 37 दिनों में, ठीक है। कैसे, हर क्लास में हर वीडियो में यही बोलते सुने होंगे और वही आज भी बोलूँगा, ठीक। 150 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए सीजी वापम के एग्ज़ाम में, 150 मार्क्स का पेपर हुआ, 100 मार्क्स लाता है बच्चा और टॉप कर जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। 1 लाख पेपर दिलाते हैं, अब धीरे धीरे कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, 1 लाख पेपर दिलाते हैं, 100 मार्क्स लाए, टॉप हो गए। उसका सीधा सीधा यही मतलब कि जो टॉपर है, जो छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के फील्ड में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, उसको भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है, यही समझ आता है, 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है। अब किसी से बोलते हैं वे सुनोगे कि मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक, तैयारी कर ही रहा हूँ अभी तक लगा नहीं, तो उनका डायरेक्शन थोड़ा सा भटक जाता है, या बोलो कि एक जो कोर एरिया से तैयारी करना चाहिए, कोर एरिया पकड़ के तैयारी करना चाहिए वो नहीं करते, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक ओवरऑल देखा जाए 6 महीने लगते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, ये सीजी गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीजी वापम के एग्ज़ाम हुए, सिलेक्शन लेने के लिए अगर 40-50 पोस्ट, 60 पोस्ट, 70 पोस्ट अगर आ रहे हैं तो लगभग 6 महीने लगते हैं। आप जनरल कैटेगरी से, जनरल मेल कैटेगरी का बेनिफिट तो मिलता ही है, ठीक है, जनरल मेल कैटेगरी से भी फाइट करोगे तो 6 महीने आपको लगते हैं तैयार करने में, ठीक है, 6 महीने लगते हैं। फिर आप पूछोगे कि 37 दिन 40 दिन में कैसे होगा, फिर भी होगा, क्यों, 6 महीने में लगते हैं पूरा तैयारी करने में, 6 महीने आपको पूरा तैयारी करने में लगेगा, ठीक। तो अगर 150 मार्क्स का पेपर आता तो 150 तैयारी करने में आपको 6 महीने लगेंगे, आपको 150 में 100 लाना है। ये एग्ज़ाम है 200 का, इसमें अच्छी बात यह है महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए अच्छी बात यह है कि 150 बोल रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं भाग ले रही हैं, पुरुष एक भी नहीं है, ठीक है, पुरुष कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सपोज़ अगर ऐसे एग्ज़ाम्स में 1 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, 1 लाख फॉर्म भरते हैं, ठीक है, इसमें भी मान रहा हूँ कि 1 लाख महिलाएं फॉर्म भरेंगी, 1 लाख लोग फॉर्म भराया जाएगा, मतलब 1 लाख जस्ट पुरुष और महिला दोनों का मिला के होता है, 50-50 रेशियो मानो तो 50,000 लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसमें से कई महिलाएं ऐसी होंगी जिनका ये 160 मार्क्स वाले पोर्शन पर पकड़ होगा, ठीक, कई लोग पटवारी दिलाए होंगे, इससे पहले भी कुछ एग्ज़ाम फाइट किए होंगे आप लोग, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं,
आप में से भी कुछ हो सकता है पुराने पहले कुछ तैयारी किए होंगे, ठीक है, या आप में से कई लोग ऐसे होंगे एकदम फ्रेश, कोई तैयारी नहीं होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी की जा सकती है, 40 दिन काफ़ी हैं, ठीक है। 2 घंटा मैं यहाँ पढ़ूँगा, 2 घंटा आपको घर में देना होगा, 4 घंटा सफिशेंट है, क्वालिटी 4 घंटे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ और बात कर रहे, बात करते करते पढ़ लिया, उसको काउंट नहीं करना, 2 घंटा यहाँ और 2 घंटा घर में, 4 घंटा काफ़ी होगा 40 दिन, ठीक है। तो 200 मार्क्स में मैं सपोज मान के चल रहा हूँ, 200 मार्क्स एक आइडियल लेवल जो सीजी व्यापम का एग्ज़ाम आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहेंगी। और अभी व्यापम के एग्ज़ाम्स में देखोगे जो महिलाओं का स्कोर रहता है पुरुषों की तुलना में कम रहता है, ठीक है, मतलब महिलाओं में जो मार्क्स लगा पर आपका 1000 रैंक भी है, 1000 रैंक है, तो आप 100 के अंदर आ जाओगे। मतलब अगर ओवरऑल कैटेगरी को कंसिडर ना किया जाए, 1000 रैंक है तो भी आपका महिला के अंदर, महिला कैटेगरी में रैंक 1000 से लेकर सीधा 100 में आता है, ठीक है। तो महिलाओं में पढ़ाई का स्तर पुरुषों की तुलना में कंपटीशन के फील्ड में थोड़ा सा कम है, कम मार्क्स ला के भी सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे सिर्फ आपका कंपटीशन पूरा का पूरा महिलाओं से होगा, ठीक। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 200 में पूरा 200 नहीं लाना है आपको, 200 में मैं मान के चल रहा हूँ 120 से 130 जनरल महिला, ठीक है, जनरल महिला, महिला को तो रिजर्वेशन तो मिलेगी पूरा 100%। अब जनरल OBC ST SC, ठीक है, और अगर एक्स सर्विसमैन है, कि एक्स सर्विसमैन को कोटा देखेगा, महिलाओं का नहीं है इसमें, नहीं है, ठीक है। तो 120 से 130 में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 120 अगर सेफ जोन लेके चले, उतना भी जाएगा कि नहीं पता नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा है। एकदम इजी रहा तो ज़्यादा चले जाएगा, और एकदम टफ रहा तो कम चले जाएगा। इजी रहेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए इजी है या उन लोगों के लिए इजी है, उन लोगों के लिए इजी हो तो आपके लिए भी होगा, उन लोगों के लिए टफ है तो आपके लिए भी होगा। तो एक आइडियल में कट ऑफ मान के चल रहा हूँ 130, थोड़ा सा टफ लेवल का पूछता है तो 130 से थोड़ा नीचे, थोड़ा सा टफ लेवल नहीं पूछा, मीडियम लेवल या इजी लेवल पूछा तो 130 के ऊपर आइडियली मैं मान रहा हूँ 130 आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक। अब 37 दिन 40 दिन में क्या तैयारी करना है, 37 दिन 40 दिन में क्या तैयारी करना है सिर्फ ये 130 के लिए, ये आपके पास 70 मार्क्स का छोड़ने का ऑप्शन है और ये छोड़ना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, 30-40 दिन में करना है तो किया जाएगा, ठीक है। इतिहास गवाह है, कम टाइम में भी कम रिसोर्सेज में भी तैयारी हुई है ना, जंग जीते गए हैं, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, 12,000 सेना लेके आया था बाबर, इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनी, वो घोड़े में बैठ के आया, इब्राहिम लोदी हाथी में बैठ के आया, ठीक है, फिर भी वो 12,000 सेना रख के 1,00,000 सैनिक को हराया इब्राहिम लोदी के, ठीक है। महिला के साथ साथ बाल पर्यवेक्षक भी आई मैम, अच्छा उन्हीं का आवाज़ आ रहा, सारी मेरे को लगा कोई बच्ची आ रही है। ठीक है, तो वैसे कई जंग जीते गए हैं तो इतिहास गवाह है, ठीक, कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका, है ना। और लास्ट बार आज के बाद मन में डाउट नहीं आना चाहिए, ना आप मुझसे पूछोगे कि सर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। हेनरी फोर्ड का एक कोट बताता हूँ, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं लगता नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आज ये बात मन में डाल लेना कि 37 दिन में तैयारी हो सकती है, मतलब हो सकती है, ठीक है। आज के बाद नहीं पूछना कि सर तैयारी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली होगा। यहाँ 2 घंटे पढ़ाऊँगा और घर में 2 घंटे देने हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दे रहे हो तो अच्छी बात है, आप सेफ जोन में जा सकते हो, नहीं तो बीच में अधर में लटके रहोगे, एग्जैक्ट 4 घंटे 4.5 घंटे या उससे कम, ठीक है। इतना क्लियर। तो अब ये 130 में क्या क्या पोर्शन इजली कवर किया जा सकता है, किसी के पास सिलेबस है क्या, ऑयल में निकालो। आज बेसिक इंट्रोडक्शन ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ।
देखिए, ये 130 मार्क्स सिलेक्शन लेना, और 130 मार्क्स कहाँ से लेंगे, ठीक, ये महिला में 40 में कुछ अगर छूट गया तो छूट गया, बाकी 38-39 आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे इजी जो पार्ट होगा महिला वाला होगा, इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक, एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, ये काफ़ी कम टाइम लगेंगे, काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। 40 मार्क्स में हो सकता है आप 40 में 40 स्कोर कर लो, ठीक है, 40 में 38-39, और इतना पढ़ने के बाद जितना यहाँ पढ़ा जाएगा उतना पढ़ने के बाद अगर आपसे छूट रहा है तो यही मान के चलना कि दूसरे से भी छूटेगा डेफिनेटली, ठीक है। ठीक है, तो 40 में 38-39 आराम से स्कोर कर सकते हो, 2-4-5 मार्क्स में कम मान के चल रहा हूँ, सपोज 35, ठीक है। फिर 40 में 40 एक ही परसेंट से बनेगा, कौन, एग्जामिनर से, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अगर छूट जाए सिर्फ एग्जामिनर से बनेगा, ठीक। उसके बाद इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस छोड़ रहा हूँ मैं, रीजनिंग और हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ जीएस नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा, जैसे बकरी को क्या बोलते हैं छेरी, मेंढक को क्या बोलते हैं मेचका, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी के मुहावरे, ये सारी चीज़ें पूछा। तो ये 30 यहाँ 25 स्कोर करना होगा एनी हाउ, ठीक है। ये मार्क्स कम लग रहे हैं, 100, 120, 150, 10 मार्क्स का क्या छूट रहे हैं, इंग्लिश 10 मार्क्स का, ठीक है। रीजनिंग हिंदी छत्तीसगढ़ी ये मैं 30 में, इसमें 25 लाना ही है एनी हाउ, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। इंग्लिश में आप 20 में 20 ला लोगे बोलोगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हो और 20 में 20 ला लोगे बोलोगे तो संभव नहीं है, क्यों, उसमें सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा जाता है। ग्रामर बता सकता हूँ मैं, ठीक है, ग्रामर कुछ ग्रामर कवर करा सकता हूँ आपका, ठीक। लेकिन जो सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं उसके लिए आपका 2000 वर्ड्स पर पकड़ होना चाहिए, तब जाके बनता है, उसके बावजूद छूट जाता है, ठीक है। 2000 वर्कअप मैं किया हूँ उसके बावजूद कभी न कभी कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक। अगर इंग्लिश वो सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने जाएंगे तो अगले 40 दिन सिर्फ वही होगा, उसके बाद भी इसमें 20 में 2-3-4-5 ला पाओगे उसका सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है। तो 20 में 20 नहीं लाना है, लेकिन 20 में 0 भी नहीं लाना है, 10 स्कोर करना है। और मैथ्स 30 में, अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है ना तो यकीनन 30 में 30 ला लेगा, और नहीं है फिर भी उसको 30 में आराम से 20 में दिला सकता हूँ, ठीक है। मैथ्स के लिए अगर मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ऊपर से बाइलिंगुअल बताऊंगा, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, तो और ज़्यादा समय लगेगा, 2 घंटा है, उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक नोट्स दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में रहेंगे तो उसमें काफ़ी कम समय पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा, ठीक। तो यहाँ इतना अगर भी मान के चलो मिनिमम 20, 10, 30, 25, 55, 55 और 35, 90, 90 और 35 अगर इसको मैं मान के चलूँ, 38 भी ना चले के 35, तो आराम से 125 शायद 125-135 आप यहाँ ला लोगे, ठीक है। उसके बावजूद मैं इंडियन जीएस को ब्लैंक मान के चल रहा हूँ, इंडियन जीएस में छत्तीसगढ़ जीएस किया जा सकता है, नो डाउट 37 दिन में किया जा सकता है, ठीक है। उसमें भी छत्तीसगढ़ जीएस पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ कोर एरियाज जैसे ज्योग्राफी में नदी नाले पर्वत पहाड़ सब के सब किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनजाति करना पड़ेगा, ठीक, पंचायती राज करना पड़ेगा, इतिहास करना पड़ेगा, कुछ चैप्टर्स करेंगे, पूरा उसको किया नहीं जा सकता। इंडियन जीएस जो है ये करने में काफ़ी समय लगता है, मैं भी 2-3 साल से किए करे जा रहा हूँ, ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी उसमें फुल मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीट ब्लैंक छोड़ेंगे, उसको भी एक मसाले की तरह ऊपर से छिड़केंगे, ठीक है, स्प्रिंकल करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो 80 में ऐसा नहीं कि खाली पीली 80 कुछ नहीं लेना है, इसमें भी 80 में लेंगे, और ये रीजनिंग वाले पोर्शन में रीजनिंग प्लस इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस 80 मार्क्स का है, ब्लैंक नहीं जाने देना है, कम से कम 30-40 यहाँ पे स्कोर करना होगा, ठीक है, 30-40 कम से कम स्कोर करना होगा। इंडियन जीएस में ज़्यादा टाइम लगता है, बट फिर भी बोल रहा हूँ कि एकदम ब्लैंक नहीं जाना है, कुछ ना कुछ इसमें स्कोर करना है, ठीक है। ये रहा इसका फ्रेमवर्क, कैसे क्या तैयारी करना है, वही तैयारी करना है जो जिसमें इनपुट कम लगे आउटपुट ज़्यादा मिले, टाइम कम लगे मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ना है, अंक अर्जित करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो जितना बताऊँ उतना पढ़ना है, ठीक है।
जो छत्तीसगढ़ पहले से पढ़े हुए हैं, अभी आज से छत्तीसगढ़ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैप बताऊंगा, आज 28 जिले बताऊंगा, कल 4 जिले अपडेट करूंगा, ठीक है, 28 जिले का एक बार रिवीजन। तो ऐसा नहीं जो पढ़ लिए हैं तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बिल्कुल मत सोचना, रिवीजन हो जाता है। आप घर पे कभी पढ़ो नहीं पढ़ो ठीक उसका भरोसा नहीं, यहाँ पढ़ रहे हो कम से कम रिवीजन होगा। और क्या है, भूलो ना इस कारण एक बार कभी ना कभी आपको देखना होता है, ठीक है। तो पहले से पढ़ चुके हो इसका मतलब नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, टाइम बचेगा ही, यहाँ क्विक रिवीजन होगा, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा टाइम वेस्ट होगा। 28 जिले पहले मैं याद कराता हूँ, फिर जो जो चीज़ें याद कराऊँ वही सारी चीज़ें लिखिएगा, ठीक, सिर्फ याद कराऊँगा, नोट्स मैं आपको एक ग्रुप बना के PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे में मुझे कोशिश करना सिर्फ और सिर्फ बोलूँ, नोट्स लिखाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो 4 घंटे का क्लास के बराबर मुझे कंटेंट देना है 2 घंटे में, ठीक। तो चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं मालूम, 28 जिले अभी 32 जिले 31 जिले हैं, एक जिले को रोक के रख दिया गया, अभी घोषित नहीं किया गया, ठीक, ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है, फिर भी 32 जिले का मैप बन चुका है। आज 28 जिले करा रहा हूँ, कल 4 जिले ऐड करा दूंगा उसमें, ठीक है। आज पहले 28 जिले पढ़िए, ठीक। मैं ये मान के चल रहा हूँ एकदम बेसिक से, किसी को कोई नॉलेज नहीं है ना, बस ये मालूम होना चाहिए कि आप लोग छत्तीसगढ़ में रहते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैप ऐसे है लगभग, अगर थोड़ा बहुत आइडिया देखे होगे, ठीक, लेकिन ये मैप भूल जाओ, आज से आपके लिए ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग, ठीक है, आज बता रहा हूँ उसके हिसाब से 5 संभाग, आज बता रहा हूँ उसके हिसाब से 28 जिले, कल 32 जिले हो जाएंगे, ठीक है, 5 संभाग। इस छत्तीसगढ़ को अगर एक ये छत्तीसगढ़ के बॉडी को एक इंसान की बॉडी समझा जाए तो सबसे ऊपर क्या रहता है, सर ऊपर है सरगुजा संभाग, कौन सा संभाग, सरगुजा, ठीक है। फिर नीचे मुँह है, मुँह से क्या करते हो, बोलते हैं, बोलने से बिलासपुर, ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ कुछ भी नहीं आता, वहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिलासपुर, कितना क्लियर। उसके बाद नीचे सोता है बस्तर, बिस्तर में, तो बिस्तर से बस्तर, इसको सॉरी लेफ्ट साइड दुर्ग संभाग, राइट साइड रायपुर संभाग, ठीक है, ये दुर्ग और ये रायपुर, ठीक है, ये दुर्ग और ये रायपुर, ठीक है, सुनना लिखना मत, दिमाग में बसाओ, ठीक है, स्टोर करो, एग्ज़ाम में कॉपी पेन यूज़ नहीं होगा, जो यहाँ स्टोर है वही बनेगा आपसे, ठीक। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, ठीक है। अब एक एक संभाग में जिले देखते हैं, क्या क्या जिले, ये दुर्ग संभाग में एक ये लकीर खींचिए, खींचना, ठीक है, बिल्कुल आ जाइए, ठीक, ये लकीर, इसको 3 भाग में बांटिए, ठीक है, 1, 2, 3, और इसके ऊपर से एक लकीर ये जोड़ देना है, ठीक है। क्या बोला, एक ये लकीर खींचिए, इसको 3 भाग में बांटे, 1, 2, 3, इस लकीर के ऊपर से एक लकीर खींचे, ठीक है, ये हो गया आपका दुर्ग, ऊपर है बेमेतरा, नीचे है बालोद, ये है सॉरी राजनांदगांव, और ऊपर है कवर्धा, ठीक है, कवर्धा, ये दुर्ग, ये बेमेतरा, ये बालोद, ये राजनांदगांव, 5 जिले याद हुए, ठीक है, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा, 5 जिले याद हुए, ठीक है। अभी राजनांदगांव से अभी और टूटेगा, कल टूटेगा, ठीक है, आज फिलहाल राजनांदगांव है पूरा कंप्लीट। इसके अलावा अब रायपुर संभाग के जिले देखते हैं, बेमेतरा से टच करता हुआ ऊपर लाइन खींचना है ना, दुर्ग में टच नहीं करना, क्योंकि बलौदा बाजार की सीमा दुर्ग से टच नहीं होती, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। बेमेतरा से टच होते हुए जाता है बलौदा बाजार, एक ये ऐसे लकीर खींचना, फिर ये वाले लकीर के ऊपर से, नीचे से नहीं ऊपर से, इसमें जाके जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ से एक लकीर इसमें, इधर नहीं, ये वाले पोर्शन में, नीचे नहीं, ठीक है, ये वाले पोर्शन में ये खींचे, और ये बीचों बीच इसको ब्रेक कर दिए, क्या बोला, फिर से इसके ऊपर से एक लकीर, इसके ऊपर से एक लकीर इसमें जोड़ देना, यहाँ से इधर, ना कि इधर, और ये बीचों बीच एक कर दिए, ठीक है, ये हो गया क्या आपका रायपुर। अब ध्यान दीजिए, ये रोड जो जाती है NH 53,
इस साइड रायपुर है, ये बीच आपका दुर्ग जिला और वो राजनांदगांव रोड सीधा सीधा जाता है कि नहीं, ये देखो बीच रायपुर, इसको ऐसे जस्ट पलट दोगे तो दुर्ग रायपुर राजनांदगांव यही रोड जाती है बीच से NH 53। ठीक, ये रायपुर ऊपर है बलौदा बाजार, ठीक है, नीचे धमतरी, ठीक है, ये आपका महासमुंद है और ये आपका गरियाबंद है। पांच जिले रायपुर के कौन कौन से हैं, रायपुर संभाग के, रायपुर ऊपर बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, क्लियर, इतना टोटल 10 जिले हुए। अब बलौदा बाजार को बेस मान के 3 लकीर खींचिएगा, दो यहाँ से, एक इस तरफ से, ठीक है, दो यहाँ से, एक इधर से, फिर इसको बीचों बीच काटिएगा, ठीक है, ये क्लियर, 1 2 3 4 5। और अभी अभी 10 फरवरी 2020 करके याद कराया था जो पहले क्लास अटेंड किया, 10 फरवरी 2020 को एक और जिला बन गया, ये पूरा बिलासपुर था, इसको काट के, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो ये पूरा का पूरा बिलासपुर था, अब ये हो गया बिलासपुर BSP, ये हो गया गोरेला पेंड्रा मरवाही, ये अभी अभी बना पिछले साल 2020 में, 10 फरवरी 2020, ठीक है, ये आपका हो गया कोरबा, ये हो गया जांजगीर चापा, ये हो गया रायगढ़, और ये हो गया आपका मुंगेली, ठीक है, ठीक, ये पूरा का पूरा बिलासपुर संभाग है, और ये बिलासपुर जिला था जो अब इतना ही सीमित रह गया, ये गोरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, जांजगीर चापा, रायगढ़, मुंगेली, ठीक है। दुर्ग संभाग का ये जिले थे दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा, ठीक है। फिर रायपुर संभाग में देखे थे रायपुर, बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, ठीक, बलौदा बाजार को बेस मान के 2 लकीर इधर से गिराना था और 1 लकीर यहाँ से, ठीक है, इसको बीचों बीच काटे और बिलासपुर वाले में ये कोरबा से टच करते हुए, ना कि जांजगीर चापा से, कोरबा से यहाँ से 1 लकीर गिराए, ठीक है, तो ये बिलासपुर हो गया, ये गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चापा, रायगढ़। अब ये जस्ट कोरबा को बेस मानते हुए 2 लकीर और गिराना है ऊपर से कोरबा में ही, ठीक है, और जैसे इसको 2 भाग में बांटे थे ना, वैसे इसको नहीं बांटेंगे, ठीक है, और यहाँ से और 2 भाग में बांटेंगे, लेकिन ये कोरबा में लकीर नहीं गिरेगा, ये रायगढ़ में गिरेगा, ठीक है, रायगढ़ को बेस मान के वहाँ से लकीर गिराना है, ठीक है। अब ये आसपास के जिले हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी घूमे होंगे, आप दुर्ग संभाग में रह रहे हो तो ये सब जगह जानते होंगे, इधर बोरमदेव गए होंगे, यहाँ डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी माता के मंदिर गए होंगे, रायपुर तो जाते रहते होंगे, बलौदा बाजार, आसपास के जगह घूमे होंगे, ऊपर का थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए मैं उसका कोड बना लिया हूँ, कसाब, कसाब को ऊपर लटका दिए थे, कसाब से रखना, KSB कसाब, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है। और ये कौन सा संभाग था, सरगुजा, तो ये जो बीच वाला ये सरगुजा और ये जशपुर, ठीक है, जशपुर, इतना क्लियर। क्या बोला, कसाब को ऊपर लटका दिए, KSB कसाब, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इसको बीच से काटे, सरगुजा ये संभागी है और ये जशपुर। उसके बाद धमतरी को बेस लेके यहाँ से 1 लकीर ये, ठीक है, फिर यहाँ से H की आकृति बनानी है, ठीक है, ये लकीर के साइड से एक और लकीर गिराना, बीच में एक डब्बा बनाना आपको, ठीक है, एक बॉक्स बना, क्या बोल रहा हूँ, धमतरी को बेस मान के ये की लकीर इधर ऐसे जोड़े, ठीक है, फिर ये आपका H की आकृति बना, यहाँ से 1 लकीर ये, बीच में बॉक्स बनाइए, एक इधर से लकीर, एक इधर से और एक इधर से नहीं है, ठीक है, इधर से नहीं, बस याद रखें, ठीक, क्लियर। ये हो गया आपका कोंडा गांव, ठीक है, बस्तर, सुकमा, फिर यहाँ से बैंक याद रखना, इधर के जिले भी थोड़ा सा क्या है, आप ज़्यादा घूमे नहीं हो, डेली आना जाना नहीं है तो कन्फ्यूज हो सकते हो, या नाम सुने नहीं होगी, पता नहीं, ठीक है, ये सब नक्सलाइट बेल्ट वाले एरिया है। बैंक याद रखिएगा, बीजापुर बैंक, BNK बैंक, ठीक है, BNK बैंक याद रखिएगा, ठीक है, बी मतलब बीजापुर, एन मतलब नारायणपुर, के मतलब कांके, और ये बीच में जो बंद है वो है दंतेवाड़ा, ठीक है, बीच में बंद है वो दंतेवाड़ा। ये हो गया कितना आपका, 28 जिला, ठीक है, याद रहेगा 28 जिला।
फिर से रिपीट, दुर्ग संभाग का क्या एक ये लकीर खींचे, ये इस लकीर के ऊपर से एक लकीर गया था, ठीक है, तो ये दुर्ग बेमेतरा पालोद राजनांदगांव कवर्धा, ठीक है, इस लकीर के ऊपर से खींचे यहाँ पे जोड़े, इस लकीर के ऊपर से गिरे ये बलौदा बाजार में जोड़े, यहाँ से इसको इस वाले पोर्शन में जोड़े ना कि इस वाले में, ठीक है, इस वाले में और इस वाले में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, बॉर्डर कौन से ज़िले को टच करती है नहीं काम आ सकता है, ठीक है। फिर ये मैप याद हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी, चाहे मैं जनजाति पढ़ाऊँ, जनजाति में 42 प्रकार की जनजाति कौन कहाँ रह रही है और एक ही जनजाति अलग अलग 3-4-5 जिले में रहती है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, याद रखने के लिए। तो ये जब मैप याद रहेगा तो सिर्फ याद रखना ऊपर रहती है, नीचे रहती है, राइट साइड रहती है, लेफ्ट साइड रहती है, बीच में रहती है, बस ये पाँच ही जगह होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं उराव जनजाति पूछूं तो कितना याद रखोगे कि सरगुजा में भी रहती है, ठीक है, सरगुजा में, सूरजपुर में भी रहती है, जसपुर में भी रहती है, रायगढ़ में भी रहती है, कुछ हिस्सा रायगढ़ में, कुछ बलरामपुर में भी है, कुछ इधर भी आ जाते हैं, कितना याद करोगे, सीधा मैप याद है ऊपर तरफ रहती है, ऊपर वाले एक जिले दिए रहेंगे और नीचे कोई जिला दिया रहेगा तो नीचे नहीं रहेंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैप बेसिक है, इसको याद रखना ही आपको, ठीक। तो ये बलौदा, ये रायपुर, कौन सा, ये बलौदा बाजार, ये धमतरी, महासमुंद, दरियाबंद, फिर बलौदा बाजार को बेस मान के लकीर गिराए थे दो, ठीक है, फिर इस साइड से ला के एक लकीर गिराए थे बलौदा बाजार में ही, इसको बीच से काटे, ये इसके ऊपर से ला के इधर, ठीक है, 6 जिले बने, ये कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, गोरेला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली, रायगढ़, ठीक है, 6 जिले हुए, इसको बेस मान के दो लकीर गिराए, फिर यहाँ से जैसे इसको दो भाग में बांटे थे वैसे इसको दो भाग में नहीं बांट देना, ठीक है, जब मैप बनाओगे अलग से मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, दिमाग में क्लिक करेगा, मैं खुद मैप याद करता था तो कन्फ्यूजन होता था, इसको दो भाग में बांटना है कि इधर, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जैसे इसको दो भाग में बांटे वैसे इसको दो भाग में नहीं बांटना है, इसके साइड वाले को बांटना है, ये बांट दिए और यहाँ से और इसको दो भाग में बांटे, लेकिन जो लाइन है वो रायगढ़ में गिरेगा ना कि कोरबा में, ठीक है, और ऊपर क्या था, कसाब था, KSB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, और ये सरगुजा संभाग है, सरगुजा, जसपुर, ठीक है, इतना क्लियर, क्लियर। नीचे धमतरी को बेस मान के यहाँ से एक लकीर बनाए, याद रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ से एक लकीर खींचे और एच की आकृति बना दिए, ये उल्टा एच दिख रहा है, लिटा दिया एच को, फिर इसके राइट साइड से एक लकीर बनाए, बीच में बॉक्स बनाए, इधर से लकीर, इधर से बट इधर से नहीं है, ठीक है, ये कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ठीक है, बैंक BNK बैंक, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, और ये दंतेवाड़ा, ये हो गया आपका 28 जिला, ठीक है। अब देखो जब 28 जिले थे, एक कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से कैसे क्या गुजरती है याद कराऊँ, तो कर्क रेखा गुजरती थी 3 जिले से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था ऊपर से जो आती थी भारतीय मानक समय रेखा, 7 जिले बताए थे, अब वो 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 हो जाएंगे, कल बताऊँगा कैसे 8, आज ये 28 जिले जो आप लोग भी पढ़ चुके हो, 28 जिले ये, ठीक है, तो वहाँ पे चेंजेस हैं, जो लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट थे कितने, 10 थे, गुलेपन्ना मरवाही बनने के बाद बिलासपुर भी लैंडलॉक हो गया था, पहले 18-9 थे, अब 18-10 हो गए, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो सीमावर्ती जिले हैं और जो लैंडलॉक्ड है दोनों में चेंजेस आएंगे। ये जिला याद हुआ, इसके बाद आजू बाजू कौन कौन से राज्य हैं वो कैसे याद करोगे, ये बलरामपुर दिख रहा है, यहाँ से यू बना देना, यू बना दिया, ये क्या हो गया यूपी, जस्ट जैसे बलरामपुर में यू बनाए वैसे ही सुकमा में यू उल्टा यू बनाइएगा, ये एपी, यूपी, एपी। 2014 में आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बनाया गया, 2 जून 2014 तो तेलंगाना बनाया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, अब तेलंगाना की भी सीमा छूती है भारत छत्तीसगढ़ से, ठीक है, तो ये हो गया आपका एपी, ये हो गया यूपी, यूपी कहाँ से, बलरामपुर से, क्लियर, एपी सुकमा से, ठीक है, ये जसपुर वाला जो जिला दिख रहा है यहाँ से एक लकीर, इधर झारखंड, फिर ये जो पूरा बचा है उड़ीसा, ठीक, बीजापुर में एक लकीर ये खींचे इधर का तेलंगाना, और राजनांदगांव में एक लकीर ये खींचे MH, और ये पूरा MP पूरा यहाँ तक जाता है, ये और बलरामपुर का हिस्सा, ये पूरा का पूरा MP है ना, ये ऐसा जाता है MP, ठीक है, मतलब अगर मैं छत्तीसगढ़ बनाऊँ बिना MP से कटे तो ऐसे कुछ था CG, फिर ये वाला हिस्सा काट के MP बना दिए, सॉरी MP अलग कर दिए और CG अलग कर दिए,
तो ऐसे जाता, तो एमपी पूरा यहाँ तक टच करता है। अभी कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के बाहर के जो कौन से राज्य हैं वो कितने ज़िलों को छूते हैं वो अभी याद नहीं करा रहा हूँ, बस ये मैप याद करना, कल इसमें जब 4 जिले ऐड करेंगे तो थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, तो अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जो पढ़े पढ़े थे उसको भूल जाइएगा, ठीक है। जैसे 8 को छूती थी, कोई 4 को छू रहा है, कोई 2 को छू रहा है, कोई छू ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वो सबको थोड़ा सा चेंजेस आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आसपास के राज्य बना दिए, लेकिन राज्य कितने, राज्य अभी तक कोई नहीं बदले। छत्तीसगढ़ में जिले भले चेंजेस आ गए, राज्य नहीं बदले। एक राज्य यूपी, 2 झारखंड, 3 उड़ीसा, 4 आंध्र प्रदेश, 5 तेलंगाना, 6 महाराष्ट्र, 7 एमपी। 7 राज्यों को छूती है छत्तीसगढ़ की सीमा है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ किसी कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये मैप बनाना सीखोगे कि कल नोट्स में भेज दूँ कुछ आगे बताओ, बनाओगे घर में? हाँ घर, ठीक है, चल जाएगा, है ना। यहाँ से पढ़ा देता हूँ मैं, नोट्स भेज दूँगा, पीडीएफ नोट्स, ये बना लीजिएगा। कैसे कैसे बना वो बता दिया हूँ, कल इतना सीख के आइएगा, बना के आइएगा, ठीक है। प्रयास कीजिए कि मैं 2 घंटे में जितना जितना कंटेंट दे पाऊँ उतना दे पाऊँ, ठीक है। आप लोग बाकी काम घर पर करिए, ठीक है। ये क्लियर, इतना ये मिटा रहा हूँ, मिटाता नहीं, इसी में ही और बताना। ये मैप याद करने का फ़ायदा एक और, कौन से ज़िले का मात्र ज़िला कौन सा था ये पूछता है, मतलब मात्र ज़िले किससे अलग होके बने। जैसे आपको मालूम होगा 2012 में ही दुर्ग से बालोद वगैरह बना, अगर 2012 में दुर्ग को काट के बालोद बनाए, ठीक है। अभी अभी आप हो तो गोरा पिंडा मरवाही समझते हो कि बिलासपुर से काट के बनाए, तो ये तो याद है। अब जब पैदा ही नहीं हुआ और उससे पहले काट पीट के बनाए तो उसको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैप याद रहेगा तो ये सारी चीज़ें आराम से याद रहेगी, नहीं तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है अगर ऐसे डायरेक्ट याद करना जाओगे कि कौन से ज़िले कब बने और किससे अलग होके बने, ठीक है। अभी तक ध्यान दीजिए, शुरुआत में 3 रियासतें थी। अब पूछोगे रियासत क्या, तो आसान शब्दों में समझाऊं तो जहाँ राजा महाराजा शासन करते थे वो रियासत। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने ऑप्शन दिया, जो रियासत चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकती है, जो रियासत चाहे भारत में मिल सकती है, जो रियासत चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, ठीक है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, बार बार बताया, तो भारत आपको जो एक भारत दिख रहा है, अखंड भारत दिख रहा है, वो 550 टुकड़ों में बटा हुआ दिखता, ठीक है। तो शुरुआत में रियासतें मिलने के लिए तैयार नहीं थी, उनको लालच दिया गया, ज़बरदस्ती किया गया, तब जाके वो मिले, ठीक है। तो ऐसी कुछ रियासतें नहीं मिली थी। अब रियासत मतलब क्या, अंग्रेज़ों के आने के बाद भी कुछ राजा महाराजा शासन कर रहे थे, अंग्रेज़ों का शासन नहीं चल रहा था, भले वो अंग्रेज़ों के अंडर रह के काम कर रहे थे, ठीक है, उनके संरक्षण में ही काम कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, ठीक। तो वो रियासतें जहाँ राजा महाराज, स्थानीय राजा महाराजाओं का शासन था, तो उस टाइम 3 रियासत थी। जो ये सरगुजा दिख रही है, ये सरगुजा, इतना बड़ा सरगुजा था ये पहले, तो 3 रियासतें थीं 1947 के बाद आज़ाद हुए, जो 1948 में वो रियासत को ज़िला बनाया गया, ठीक है। तो शुरुआत में उस टाइम जब आदेश आज़ाद हुआ, 3 रियासतें थीं, एक था सरगुजा ऊपर जो दिख रहा है, दूसरा था जस्ट ये रायगढ़, रायगढ़ थोड़ा छोटा था कंपेरेटिवली, इतना ही था, दूसरा रायगढ़, और तीसरा ये जो बस्तर, काफ़ी बड़ा दंड कराने वाला क्षेत्र, पूरा जंगल इलाका, बस्तर रियासत, 3 रियासत। अब देखो ऊपर के 5 जिला याद हुआ, कसाब, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, फिर ये सरगुजा संभाग का सरगुजा जिला, और ये जसपुर, ये सरगुजा रियासत थी। इस सरगुजा से कोरिया बना, सूरजपुर बना, बलरामपुर बना, कोरिया बना, सूरजपुर बना, बलरामपुर बना, लेकिन ये रायगढ़ से, ये जो जसपुर है, जसपुर ही बच गया, सरगुजा तो खुद अपने आप में रियासत थी, जसपुर बच गया। ये जसपुर सरगुजा से नहीं बना, ये बना रायगढ़ से, रायगढ़ रियासत से। तो रायगढ़ रियासत से सिर्फ एक जिला बना, कौन सा? जसपुर, क्लियर। सरगुजा से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, और रायगढ़ से जसपुर, ठीक। उसके बाद देखिए, ये जो दुर्ग है, दुर्ग बना था 1906 में, अभी वो याद करा दूंगा ईयर कौन सा कब कब बना, दुर्ग बना था 1906 में। फिर दुर्ग से आपका बेमेतरा बना, बालोद बना, राजनांदगांव बना, कवर्धा नहीं बना, जैसे सरगुजा से ये सब बने थे, जसपुर नहीं बना था ना, वैसे कवर्धा नहीं बना। कवर्धा बाद में कुछ बिलासपुर के हिस्सा काट के और कुछ राजनांदगांव का जोड़ दिया, ठीक है, तो कवर्धा बना। तो दुर्ग से राजनांदगांव बना, बेमेतरा बना, बालोद बना, ठीक है। फिर ये रायपुर संभाग है, रायपुर से
रायपुर संभाग के बाकी सभी ज़िले बने, रायपुर से बलौदा बाजार बना, रायपुर से धमतरी बना, रायपुर से गरिया बन, रायपुर से ही महासमुंद। उसके बाद बिलासपुर संभाग के सारे ज़िले जो रायगढ़ रियासत को छोड़ के सभी ज़िले किससे बने, बिलासपुर से, बिलासपुर से ही मुंगेली बना, बिलासपुर से कोरबा, बिलासपुर से जांजगीर चांपा, अभी बिलासपुर से ही गोरेला पेंड्रा मरवाही बना। ठीक है, अब आते बस्तर रियासत पे, तो बस्तर एक बहुत बड़ी रियासत थी। ठीक है, बस्तर से दंतेवाड़ा बना, बस्तर से कोंडागांव बना, बस्तर से कांकेर बना, बस्तर से नारायणपुर। अब ये बस्तर से जो दंतेवाड़ा बना था, बाद में यही दंतेवाड़ा से अलग करके बीजापुर बनाए और सुकमा बनाए। ठीक है, बीजापुर बनाए और सुकमा बनाए। ये हो गया आपका किससे क्या काट के अलग हुआ। ठीक है, ये नोट्स भेज दूंगा, नोट्स से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। अब याद करा रहा हूँ कौन से जिले कब बने, पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ईयर वाली चीज़ें हर किसी को आसानी से याद नहीं होती हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, जो आपको आसानी से याद नहीं होगी वो दूसरों को भी आसानी से याद नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो दूसरे को आसानी से याद नहीं हो रही और उस चीज़ को आप याद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एज लोगे। ठीक है, हर किसी से नहीं बनेगा। ईयर वाली चीज़ें हैं, जो न्यूमेरिकल फॉर्म का डेटा रहता है वो याद नहीं होता, अल्फ़ाबेटिक डेटा याद हो जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत जाता है। ठीक है, तो वो सबको याद रखना। 1861 में कौन सा राज्य बना था, राज्य मध्य प्रांत एवं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 2000 में बना, 1861 में क्या बना था, मध्य प्रांत एवं ब्रार, सेंट्रल प्रोविंस एंड ब्रार था। छत्तीसगढ़ बना 2000 में, एमपी बना 1956 में। ठीक है, एक साथ फाड़ लो, धीरे 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 पता नहीं चलेगा सर, फाड़ो एक साथ और खाओ। ठीक है, सीजी एमपी से बना, एमपी सेंट्रल पोजिशन बरार से बना था। तो जो 1861 में वो राज्य बनाया गया था, उस राज्य में तीन राज्य शामिल थे, वर्तमान के तीन राज्य शामिल थे, एक तो महाराष्ट्र था, एक एमपी था और छत्तीसगढ़ भी शामिल था। उसी टाइम तीन जिला बनाए थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो उड़ीसा भेज दिया गया है। ठीक है, भेज दिया गया मतलब शामिल कर लिया सर उड़ा के नहीं। ठीक, तो 1861 में ही अभी याद कर रहे हैं रायपुर जिला, सॉरी जिले जितने 28 जिले आज जो बताया ना, 28 जिले कब कब कैसे कैसे बने। ठीक, तो 1861 में बन गया रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर। फिर 1861 के बाद 1906 में दुर्ग बना। ये दुर्ग को ये रायपुर का कुछ हिस्सा दिए, बिलासपुर का कुछ हिस्सा दिए, दुर्ग बना दिए। और ये दुर्ग शुरुआत में काफ़ी बड़ा था, अभी तो काफ़ी छोटा जिला हो गया, सब तरफ से काट दिए, उधर बेमेतरा बना दिए, बालोद बना दिए, राजनांदगांव बना दिए, राजनांदगांव जबकि कितना बड़ा जिला है। ठीक है, तो दुर्ग से काटा पीटी करके बना दिए। दुर्ग काफ़ी बड़ा था उस समय, रायपुर और बिलासपुर का हिस्सा लेके बना 1906 में। ठीक, 1861 में कौन कौन से जिले, रायपुर और बिलासपुर। सभी को बोलना है मुझे याद है, याद आप लोगों को करना है। ठीक है, तो रायपुर और बिलासपुर कब बने, 1861, 1906 में क्या बना, दुर्ग। अब जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो तीन रियासतें थोड़े लेट में शामिल हुई। ठीक है, और उनको जिला घोषित कर दिया गया। कौन कौन सी रियासतें, एक तो मैंने बताया ऊपर क्या था, सरगुजा, फिर बीच में रायगढ़, सबसे नीचे बस्तर। 1948 में, ईयर याद रखिएगा 1948, तीन रियासतें थीं, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। तो 1948 में ये रियासतों को जिला बना दिया गया। ठीक है, तो सरगुजा, रायगढ़, बस्तर 1948 में बना। ठीक है, तीन रियासतें थी तीनों 1948 में। 1973 में याद करो मैप, दुर्ग से हटा के राजनांदगांव बना था 1973 में, राजनांदगांव। ठीक है, आरजीएन राजनांदगांव, इतना क्लियर। ठीक है, 1900 नेक्स्ट आता है 98। 1998 में 9 जिले बने, इस 9 जिलों को कैसे याद रखोगे, 28 जिले में 19 जिले हम याद करेंगे, यार जो बच जाए वो 9 जिले उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बचपन में करते थे ट्रू एंड फॉल्स, पहली सेकंड क्लास दूसरी तीसरी क्लास में आता था, 50 ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, काउंट किए कि ट्रू ज़्यादा है कि फॉल्स ज़्यादा है, 13 वाला ट्रू है, 13 ट्रू था तो स्वाभाविक सी बात है बाकी फॉल्स होगा, तो 13 याद कर लिए, बाकी उसके अलावा जो नहीं पढ़े और आया वो फॉल्स, ऐसे ही करते थे बस, वैसे ही इसको भी याद करना है, कई सारी चीज़ें वैसे याद होंगी, मत बजाइए जो पेन बजा रहे हैं। ठीक है,
तो 9 ज़िले जो 19 ज़िले के बाद जो बच जाएगा वो इन 9 ज़िलों में शामिल हो जाएगा। 1998 के बाद आता है 2007, याद रखिए 2007 में 7-7 दो ज़िले बने, ठीक है, 7-7 में दो ज़िले बने से बीजापुर नारायणपुर, बने से बीजापुर नारायणपुर, और 7-7 बने से 2007, ठीक है 2007, ठीक। 1861 में क्या क्या बना दो ज़िले, बैठे बैठ के बताइए कोई, वेरी गुड। 1906 में मैम, तो आपका शुभ नाम कविता वर्मा, बात हुई थी क्या सुबह, कल आई, अच्छा ठीक है, वो सर के साथ, हाँ ठीक है, उन्हें याद होगा और नहीं चला। आपका शुभ नाम मैम, अच्छा समीर भी, ठीक है। 1948 में बताइए क्या क्या बने, तीन रियासतें कौन कौन सी थी, ठीक है ठीक है, बस्तर, वेरी गुड। आप बताइए मैम 1906 में क्या बना, ये नीचे नहीं है ऊपर, 1906, वेरी गुड। आप बताइए मैम 1973, आपका शुभ नाम, इधर आप बताइए मैम आपका शुभ नाम, अच्छा अभी बात हुई थी, ठीक है। 1973 में क्या बना बताइए, नहीं बना, आप बताइए सर 1973 में क्या, आर्जियन, ठीक है। इधर सर्वेश प्रभु 2007 में क्या बना दो जिले, बीजपुर, बीजापुर है और नरपुर, नारायणपुर, ठीक है, एक बीजापुर एक नारायणपुर, ठीक, कोई नहीं, वो बीजपुर का बीजापुर आ जाएगा, दो तीन दिन नाम सुने। इन डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो ये सारे ज़िले याद हो जाएंगे, वहीं नक्सली हमला कभी ना कभी, अभी तो कम हो गए, होते रहते हैं नक्सलाइट बेल्ट एरिया। 2007 इतना क्लियर, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, याद होना चाहिए बताते बताते, और टाइम नहीं है, घर में पढ़ो रिवाइज करो सब चीज़, पूरा 100% अटेंशन यहीं दीजिए, ठीक है, काम आएगा आपकी। 2007 के बाद 2012 जो छत्तीसगढ़ी होगा, छत्तीसगढ़ी बच्चा होगा, घर में सारे गाली सुन चुका होगा, ठीक है, सूरा, बैला, मुसुआ, गाय, ठीक है, और कुकुर, कुत्ता, ठीक है, तो मैं दो तीन गाली सुन चुका हूँ, ठीक है, सुनते रहता हूँ, सूरा जी से सोहस, ठीक है, सूरा बैला बुद्धि है, बैल, ठीक है, बैला, ठीक है, मुसुआ, ठीक है, और मेरी बेटी गाय है, गाय, ठीक है, ऐसे गाय नहीं बैल है, ठीक है, ठीक। तो ये चार जानवर से इस ऐसी कोड बना लिया, सुर बल को मुसुगाव, और सुर बल को मुसुगाव, ये दो तीन बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही याद करोगे, सूरजपुर, सूरजपुर बना 2012, बलरामपुर बना 2012, उससे बेहतर है ये कोड को दो तीन बार पढ़ लो डेली हनुमान चालीसा जैसे, तीन चार दिन पढ़िए याद रहेगा, ठीक है। अब सुर बल को मुसुगाव, ठीक है, अब ये जब को बोलोगे तो को नहीं बोलना है, को बोलना है, क्या बोलोगे, को, सुर बल को मुसुगाव, ठीक है, तो ऑटोमेटिक को से, क्योंकि कोरबा है, को से कोरिया है, को से कोंडा गाँव है, तो वो को से क्या ये आपको याद रखना चाहिए, तो को से कोरिया नहीं है, को से कोरबा नहीं है, को से को कोंडा गाँव है, ठीक है, तो क्या कोड बोलोगे, सुर बल को मुसुगाव, ठीक है, सुर से, बल से, को से, मुँह से, सु से, गाप से, ग से गरिया बंद है, और ब तीन है ना, तीन कौन कौन से, जब ये मैं डायग्राम बताया था, ये दुर्ग था, ऊपर क्या था, बेमेतरा, नीचे क्या था, बालोद, बलौदा बाजार, ये तीनों जिले हैं बी 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 से, ठीक है, बी से बिलासपुर नहीं जुड़िएगा, ठीक है, बस्तर भी नहीं, ठीक है, ये बस ये तीन हो गए, तो ये क्या 2012 में बने। अब 2012 के बाद सीधा बना 2020, 10-20, इसका डेट सही याद रखिएगा, ठीक है, 2020 को 10-20, बाकी सब ईयर क्योंकि पुराने हो गए, अब वो नहीं पूछेगा डेट, अब ये चार जिला जो कल भी बताऊंगा, तीन जिले, उसको भी आपको डेट वाइज याद रखना है। 2020 में क्या, तो 2000 में 10-20 आया, 10 फरवरी 2020 क्या बना, गोरेला, पेंड्रा, मरवाई, ये टोटल इसमें जिले बने दो, ये एक, तीन, एक, नौ, ये दो, नौ, एक, ठीक है, दो, एक, तीन, छः, सात, दो, नौ, 18, 19,
19 नॉइस लेने गिर ना, रुको ना भाई, मैथ्स मेरा भी ठीक ठाक है। ठीक है, 19 ये हो गए। अब जो बचे 9, टोटल तो 28 जिले पड़ रहे हैं मैप में, जो बचे 9 वो सब के सब क्या 1998 में, जैसे कोरिया के बारे में कहीं पढ़े क्या? अभी नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो कोरिया क्या 1998 में, जांजगीर चांपा के बारे में देखे कहीं भी? आ रहा है सूरा बइला मुसुआ कुकुर में? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो किस में? 1998 में, ठीक है। और क्या कोरबा भी देखे? नहीं देखे। तो कोरबा भी क्या 1998 में, ठीक है। महासमुंद देखे? गरियाबंद देख चुके। महासमुंद देखे तो महासमुंद भी 1998 में। जो याद नहीं है वो 1998, तो याद नहीं है पहले याद करना है, नहीं तो वहाँ कुछ याद नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि सबके सब 1998 नहीं, ठीक है, पहले याद करके जाना है, ठीक है। इतना क्लियर, ईयर याद हुआ, सब मिटाते जा रहा हूँ, कोई नहीं, दिमाग पर विश्वास रखना, ठीक है। रिलैक्स मोड में पूरा 100% अटेंशन के साथ सुनोगे, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। 100% अटेंशन के साथ सुनोगे ना तो सब चीज़ रिटेन करता है दिमाग, ठीक है। कोई प्रेशर मत डालिए, नहीं होगा तो नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। आगे काम आएगा आगे आने वाले एग्जामों में, ठीक है। डेट एंड ऑपरेटर, अगर थोड़ा सा भी टाइम मिला फरवरी मार्च, तो उसके लिए भी एक बैच रहेगा क्रैश कोर्स, तो आइएगा उसमें भी, ठीक। तो अच्छे से उसका तैयारी हो जाएगा, ठीक। इसमें काम नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम में काम आएगा। बस वो महिला एवं बाल विकास वाला जो पढ़ोगे ना, बस वही काम नहीं आएगा किसी में, क्योंकि फिर वो एग्ज़ाम आने में 4-5 साल 6 साल, ठीक है। तो महिला के साथ साथ आपके बाल बच्चे भी आ जाएंगे, तो बस एक वही काम नहीं आएगा, बाकी सारे सिलेबस आपके काम आएंगे, ठीक। तो बस अटेंशन देते जाइए, सुनते जाइए। ये मैं क्या याद कराया, 28 जिला, कौन से ज़िले किससे अलग हुए, वो कौन से ज़िले कब बने, ठीक है। उसके अलावा एक जलप्रपात बताता हूँ, जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जलप्रपात वाला एरिया बता रहा हूँ, ठीक। नोट्स आके कीजिएगा, जलप्रपात खोल के दो। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात आज ही समापन, छोटा सा टॉपिक इसलिए ये पकड़ रहा हूँ, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, इधर दीजिए, कोरिया देखो, कुछ एक जिले को अपने हिसाब से मैं उसको डिज़ाइन कर दिया, अपने हिसाब से कोड दे दिया, जैसे कोरिया, छत्तीसगढ़ में काला को करिया बोला जाता है, ठीक है। तो पूरा कोरिया को करिया करिया से याद कर लिए, ठीक। तो ऐसे ही जो चीज़ें कॉमन है सबके लिए, जैसे मेरे लिए कोरिया कॉमन है तो आपके लिए भी करिया उसको रिलेट कर पाओगे। अब कुछ जैसे राजनांदगांव जिला है तो मेरे वहाँ रिलेटिव रहते हैं तो मैंने वहाँ से रिलेट कर लिया, ठीक है। कुछ चीज़ें वहाँ से रिलेट कर लिया तो मेरे मौसा जी रहते हैं तो राजनांदगांव से रिलेटेड। तो जो चीज़ आपके लिए भी कॉमन है मैं बता दूंगा, ठीक है। या कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे जशपुर जिला है तो वो इंपॉर्टेंट होंगे तो वो मैं बता दूंगा, बाकी कुछ चीज़ आप अपने तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोरिया के जितने भी जलप्रपात हैं ना सब मैं करिया से याद किया हूँ, ठीक। तो करिया का देखते हैं कैसे, राम भगवान कृष्ण भगवान शंकर भगवान सब के सब क्या थे, काले थे। कैसे पता चला? देखे हो कर रहे हो, ठीक है। फिर भी इमेजिन कर लेना, काले थे, सावला रंग बोला जाता था ना, श्याम सुंदर, वैसे राम कृष्ण सब के सब क्या थे, काले थे। तो काले से करिया, करिया थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में काला को करिया बोला जाता है, तो करिया कौन? राम भगवान, राम से रामदा, ठीक है। उसके अलावा घर के आसपास नाला बहता होगा, क्या पानी एकदम साफ सुंदर रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं रहता कि सुबह
फेस वॉश कर, ऐसा तो नहीं काला काला रहता है पानी, किसका पानी रहता है? नाला का पानी। नाला से क्या? अंकुरी नाला। तो अंकुरी नाला का पानी क्या रहता है? करिया रहता है, ठीक है। और अमृत, अमृत देखे हो? नहीं देखे, ठीक है। जब वो मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, ठीक है, तो जो अमृत था वो भी क्या था? करिया था। आपको लगे एकदम बढ़िया चमक रहा होगा, मोती जैसे ऐसे नहीं चमक रहा था, ठीक है, काला था। पूछोगे देखे हो क्या? नहीं देखा हूँ, लेकिन बताया गया शास्त्रों में वो भी क्या था? करिया था। नहीं भी था फिर भी उसको मानना है करिया था। तो अमृत क्या था? करिया। अमृत से अमृत धारा क्या? कोरिया, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? राम भगवान करिया थे तो रामदा कोरिया, नाले का पानी करिया तो अंकुरी नाला कोरिया, अमृत करिया तो इतना क्लियर। और इसके अलावा ऐसे लेट कर लिए, जो अनपढ़ गवार लोग रहते हैं वो भी करिया, ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, हाँ वो भी करिया अक्षर भैंस बराबर ऐसे लेट करें तो कौन? अनपढ़ गवार लोग। तो गवार से याद रखना गावर घाट, गवार से याद रखिए गावर घाट, ठीक है, इतना क्लियर। इसमें अंकुरी नालों को याद रखिएगा, क्या कोरिया का एयर कंडीशनर कैसे याद करोगे? जैसे बढ़िया तालाब वालाब के पास, नदी के पास, समुद्र के पास जाओगे, ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, बढ़िया मंद मंद मीठी मीठी खुशबू आती है, वैसे अब नाले के पास फील करना है आपको, ठीक है, नाले को एसी मानना है, ठीक है। तो नाले के पास भी बैठोगे, अंकुरी नाले के पास, ठीक है, तो नाले के पास बैठोगे तो क्या आएगा? मस्त ठंडी ठंडी हवाएं आएंगे, एसी एसी जैसा फील होगा। तो अंकुरी नाला को कोरिया को क्या बुलाता है? कोरिया का एसी, एयर कंडीशनर, ठीक। तो ये कोरिया जिले का याद रहेगा, ठीक है। हम रामदा अंकुरी नाला अमृतधारा गावर घाट, ठीक। दूसरा बताता हूँ जसपुर। जसपुर जिला बार बार मेंशन होगा तो एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। मेरी एक मित्र थी, महिला मित्र, वो जसपुर जिले से थी, उराव जनजाति की थी, ठीक है, उराव जनजाति की थी और जसपुर में रहती थी। तो वहाँ से मैंने सारी चीज़ें रिलेट की हैं, आपको भी याद करना है, ठीक है। तो मेरे लिए रानी थी, बोल रहे, ठीक है, रानी दा, ठीक है, रानी दा जलपात, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी में मतलब अच्छे दिखने का बने दिखना, बने दिखाते टूरी है, बने दिखाते टूरा है, बने हैं, बने है मतलब अच्छा, तो बने थी तभी साथ में था, ठीक है। तो बेने, तो रानी दा, ये सब रिलेट हो जाएगा, ये जसपुर में बोल रहा हूँ याद कर लो। मेरी मैडम थी वहाँ उराव जनजाति की थी और वो जसपुर ज़िले से थी, ठीक है। तो जसपुर ज़िले कई बार आएंगे, जनजाति में पढ़ोगे तो उराव जनजाति को पूरा वहाँ से रिलेट किया हूँ 10-12-15 पॉइंट, ठीक है। जसपुर में जो भी हुआ सब मैडम से रिलेट करके याद किया, ठीक है। तो याद रख लीजिए, रानी थी रानी दा और बने थी बेने, ठीक। और जैसे अलग अलग शब्द से संबंधित संबोधित किया जाता है, तो वैसी छुरी थी, छुरी की तरह तेज थी, क्या थी? छुरी की तरह तेज, तो छुरी जलप्रपात, ठीक। ये कितना ही लिखे हैं इसमें, जसपुर में बहुत कम लिखे हैं, राजपुरी दम, ठीक है। अब रानी थी राज करती थी सर पे, ठीक है, राज करती थी राजपुरी, रानी थी मेरी राज करने मिला, ठीक है। तो रानी थी बने थी छुरी थी राज करती थी राजपुरी, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मेरा दम घुट गया उससे, ठीक है, दम घुट गया, ठीक है, दमेरा, दम घुट गया मेरा दमेरा, हालांकि परिस्थिति जस्ट विपरीत थी, उसका दम घुट गया था, ठीक है, बाकी याद मेरा दम घुट गया सर दमेरा, ठीक। क्या बोल रहा हूँ? जसपुर जिला मैडम रहती थी उराव जनजाति वाली, ठीक है। उराव जनजाति को भी याद रखना, जसपुर पूरा उराव जनजाति के बारे में वो मैडम से रिलेट करके याद करेंगे। तो रानी थी रानी दा, बनेरी से बेने, छुरी थी छुरिया, ठीक है, छुरी, राज करती थी राजपुरी और मैं दम घुट गया दमेरा, ठीक है। और उसको प्यार से गुड़िया रानी बोलता था, गुड़िया रानी, ठीक है, गुड़िया रानी, तो गुड़िया रानी से याद रखना खोड़िया रानी, ठीक है, खोड़िया रानी, ठीक है। तो गुड़िया रानी से याद रखना खुड़िया रानी, ठीक है। अरे यार,
गुड़िया रानी से याद रखिएगा, गुड़िया रानी। अब सब ये सांसारिक चीज़ें हैं, सांसारिक दुनिया है, मोह भंग हो जाता है ना, तो भंग हो गया मेरा भी मोह भंग, तो भंग से ब्रिंग राज, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे गिफ्ट, कई गिफ्ट दान में दिए, गिफ्ट गिफ्ट किए दान में दिए, लेकिन याद कर लो दान में दिए, दान और अच्छा नहीं लगता जैसे एकदम गरीब घराने से आए ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसे था गए गिफ्ट दान में लिए था, ऐसे याद कर लो, ठीक है। कभी भूले भटके सुन ली तो गाली बकेगी, ठीक है। तो गए गिफ्ट दान में दिए, दान पूरी, ठीक, दान पूरी, ठीक है। एक हाँ गुल्लू याद कर रहा, इसके अलावा भी तो कुछ लिखाया था, ये इतना ही था नहीं, गुल्लू और कुछ छूट रहे, मकर बंजा, गुल्लू और मकर बंजा के ना नहीं लिखे हो गया, गुल्लू और मकर बंजा था, ठीक है। एक मूवी था वो अपना क्या था मूवी का नाम, गली बॉय, गली बॉय में आलिया भट्ट का डायलॉग वो ट्रेलर भी चलता था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करेगी तो ठोकूंगी ना, ठीक है। तो गुल्लू गुल्लू मीन्स शायद वो फ्लर्टिंग, वहाँ पे उसको गुल्लू गुल्लू मतलब सेंस होगा फ्लर्ट करने का, ठीक है। अब जो भी होगा उसका आलिया भट्ट का मतलब गुल्लू गुल्लू करना, ठीक। तो वही मैं भी गुल्लू गुल्लू करता था शुरुआत में, तो गुल्लू गुल्लू से गुल्लू जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात। और क्या मेरे सुख दुख से आखिर में कोई लेना देना नहीं था, मगरमच्छ का आंसू बहती थी, ठीक है। तो मगरमच्छ से मकर भंजा, फिर से रिपीट शुरुआत से, राम भगवान करिया थे, राम दा कोरिया, नाले का पानी करिया रहता है, राम अंकुरी नाला कोरिया, अमृत क्या था काला था कोरिया, गंवार घाट गंवार लोग करिया कोरिया, ठीक है। जसपुर में मैडम रानी थी मेरी रानी दा, और बने थी बेने जसपुर, छुरी थी छुरी जसपुर, राज करती थी राजपुरी जसपुर, दम घुट गया था मेरा दम मेरा जसपुर, गुड़िया रानी थी गुड़िया रानी जसपुर, मोह भंग हो गया ब्रिंगराज खुड़िया सॉरी जसपुर, ठीक है। दान दिए दानपुरी जसपुर, गुल्लू 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 जसपुर, और मगरमच्छ की आंसू बहती थी मकर बंजा जसपुर, याद रहेगा इतना, ठीक। बलरामपुर जिला ऊपर देखे कसाब कोरिया सूरजपुर बलरामपुर, ठीक है। तो बलरामपुर देखे थे, बलरामपुर का बलरामपुर जिले को बलराम भगवान से याद करा था। एक कहानी बता देता हूँ क्योंकि कहानी से ही रिलेट करके बहुत सारी चीज़ मैंने याद कराया था, ठीक है। महाभारत की कहानी है तो सुन लीजिए, वो याद रहना ज़रूरी है, तो बलराम भगवान से जो भी चीज़ आती है बलरामपुर वो उसी से रिलेट कराया। महाभारत का युद्ध, 18 सेना भाग ली थी, 18 दिन तक महाभारत चला था। एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे, पांडव के तरफ 7 सेना थी, कौरवों की तरफ 11 सेना थी। फिर भी शुरुआत में कौरव हावी हुए, बट आखिर में लास्ट में जाके पांडव हावी हो गए, ठीक है। फिर एक के बाद एक के बाद एक महारथी मारे गए, ठीक है, चाहे वो भीष्म पितामह हो द्रोणाचार्य हो, ठीक है। फिर लास्ट में 18 दिन था, उस 18वें दिन से पहले क्या होता वो कौरव की माता थी क्या गंधारी, ठीक है, नहीं कुंती कहाँ से आप ऐसा बोल रहे हो प्रभु गोपाल दत्तदास प्रभु सुनेंगे तो मार ही डालेंगे आपको, ठीक है। तो क्या नाम था उसकी दाई का, गंधारी, ठीक है, गंधारी। और उसके पिताजी कौन, धृतराष्ट्र। अब वो क्या अंधे थे, ठीक है। तो जब शादी हुआ उनकी माता भी जो भी थी मतलब उनकी जो वाइफ थी, ठीक, तो भी क्या बोली कि मेरे पति नहीं देख सक रहे मैं भी नहीं देखूंगी, क्यों नहीं देखूंगी, वहीं से आया डायलॉग प्यार अंधा होता है, ठीक है, वहीं से वो लपेट ली आँख में पट्टी, ठीक है। अब जब आँख में पट्टी लपेट ली तो ऐसा बोला जाता है कई सालों से उसकी जो ऊर्जा है सारे सेंसेस एक प्रकार की ऊर्जाएँ हैं, ठीक है, हर सेंस ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा संग्रहित हो गई, ऐसा उसको जो भी पंडित या जिसने भी बताया, जिसके जिस भी बैगा के पास गई होगी तो हाँ महर्षि व्यास के पास गई थी।
ठीक है, तो वैज्ञानिक महर्षि व्यास के पास गई थी, उन्होंने बताया कि अच्छा हुआ क्या, 8वें दिन आने से पहले सारे के सारे महारथी मारे गए थे दुर्योधन के तरफ से, ठीक। तो अब क्या ऑप्शन बचे, सारे के सारे महारथी मारे गए, द्रोणाचार्य मर गए, मतलब सब खेल ख़त्म माना जा रहा था। तो शकुनी गए कैसे भी उसके भांजे को बचाना था, तो महर्षि व्यास जी के पास गए, बोले कि ऐसी सी बात है। तो बोले कि एक उपाय है, पूछे क्या, तो बोले कि गंधारी ने अपने आँखों में असीमित ऊर्जा छुपा के रखी है, ठीक है, उसको खोल दे तो वो ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाएगी। बोले अच्छा ऐसा, तो फिर दुर्योधन को बुलाया गया और बोले कि नग्न अवस्था में जाना ताकि तुम्हारा पूरा बॉडी स्टील का बन जाए, ठीक है, ताकि तलवार भी तुम्हारे शरीर को आर पार ना कर सके। अब ये जा ही रहे थे, कृष्ण भगवान को मालूम चला तो वो बीच में रोके, बोले कि अपनी माता के सामने ऐसी नंगू बाबा जाओगे, तो बोला कि नहीं, हाँ यार अच्छा तो नहीं लगेगा। बोले कि देख लो, विचार कर लो, इतने बड़े हो गए हो, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वो आठ याद आ गया मेरे को, ठीक। तो इतने बड़े हो गए, मज़ा नहीं आएगा, बोला ठीक है। फिर वो कृष्ण भगवान ऐसे उसके दिमाग में बात डाल के चले गए। अब वो बोले कि मुझे तो लड़ना है सिर्फ और सिर्फ भीम से, उसमें रूल ये था कि गदाधारी गदाधारी से लड़ेगा, धनुर्धारी धनुर्धारी से लड़ेगा, तलवार बाज जो है वो तलवार बाज से लड़ेगा, ऐसा था, ठीक। तो बोला कि लड़ना तो मुझे भीम से ही है, और गदे युद्ध में कमर से नीचे नहीं मारा जाता, जांग वगैरह में नहीं मारा जाएगा। तो बोला कि कुछ टावल वगैरह लपेट के चले जाऊँ तो कुछ नहीं होगा। तो ये सोच के वो क्या किया, आज पास टॉवेल तो मिला नहीं, ऐसी नंगुआ वगैरह था, जो मिला वो लपेट लिया, केले के पत्ते मिला लपेट लिया। अब जैसे ही वो आँख खोली, वो केले पत्ते के अलावा बाकी पूरा पोर्शन उसका स्टील बॉडी हो गया, ठीक है, उस एरिया जांग को छोड़ के, ठीक है। अब युद्ध के मैदान में जब पूरा युद्ध लड़ा जा रहा था, तो उसे उसी रात पहले शकुनी को ये मालूम चला, ये बात हुई, अब शकुनी समझ गया कि कल चीटिंग होने वाला है, ठीक है। नाम था धर्म युद्ध और सबसे ज़्यादा अधर्म किए थे पांडव लोग, ठीक है ना, हर हर महारथी को कैसे मारे थे, अधर्म से मारे थे, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हो। खैर वो और कभी चर्चा में, यहाँ बलराम भगवान का करेक्टर बताने के लिए प्रयास करूँ। तो ये किसके पास गए, अब एक ही थे जो कृष्ण और ये पाँचों पांडवों को रूस मनवा सकते थे, ठीक है, बाकी कोई नहीं, और वो थे बलराम भगवान, दाऊ बोलते थे बड़े भाई। तो बलराम भगवान के पास गए, बोले कि देखो आपके रहते अगर ऐसा चीटिंग हो जाए तो फिर लालत है आपके होने के, आपके बड़े भाई होने के, ऐसे उचकाया उसको, तो भी उचक गए। तो आके बोले कि कल नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, 17 दिन क्या हुआ नहीं मालूम, 18वें दिन नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और हुआ तो उसको मैं अपने वो जो हथियार था हल गदा कहाँ कुछ भी हल हल से मार दूंगा, ठीक है। तो ये बोले, नियम पालन करवाया, और क्या हुआ, शुरू से लेके सुबह से लेके शाम तक ठोकाई हुआ किसका, भीम का। लास्ट में उसको जैसे ही मालूम चला कि उसके ये लोअर बॉडी पार्ट प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, स्टील बॉडी नहीं है, तो वो गदे से उसके जांग को तोड़ देता है। उसी टाइम बलराम भगवान आते हैं और अपने वो हल से मारने वाले ही होते रहते हैं किसको, भीम को, लेकिन जैसे तैसे कृष्ण भगवान को समझाते कि मत मार, हो गए लड़का है, ठीक है, अपने घर के लड़का है, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बलराम भगवान उस समय काफ़ी क्रोधित हुए थे, इतना सारा कहानी सिर्फ एक चीज़ को याद कराने के लिए, ठीक है, ताता पानी। ये आगे आएगा बलरामपुर का पूरा बलराम भगवान से याद कर लिया, ठीक है, ये स्टोरी बताया, वो आगे ताता पानी नाम का एक जगह है वो बलरामपुर में है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रिलेट हो जाएंगी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो बलरामपुर में जिला, बलरामपुर जिला, क्या क्या जलप्रपात देखिए। पहला, अब इतने बड़े भगवान हैं, महल में रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, कोठी में रहते थे, ठीक है, किस में रहते थे, कोठी में, कोटली जलप्रपात, भगवान हो के भी किस में, छोटे से कुटिया में, छोटे से कोठी में रहते थे, कोठी से कोटली जलप्रपात, ठीक है। पवन पुत्र हनुमान सुने, ठीक है, अब से चेंज कर लेना, पवन पुत्र बलराम, ठीक, पवन पुत्र हनुमान, पर पुत्र बलराम, तो पवन से याद रखिए पवई, पवन पुत्र बलराम, पवन से पवई, याद रहेगा, ठीक है। अब कृष्ण भगवान के पास गाय थे, रथ थे, कहीं जाते थे तो रथ में बैठ के जाते थे, ठीक है, तो बलराम भगवान क्या लेके जाते थे, वैन, ठीक है, ऐसा नहीं कि वैन अभी आया, उस टाइम भी था, ठीक है। तो बलराम भगवान कहीं आना जाना रहता तो किस में जाते थे, वैन में, वैन गंगा से याद, वैन गंगा, वैन से याद, ठीक है। और एक ये जलप्रपात है कि नहीं, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ मैं, वहाँ से गर्म पानी का बस स्रोत है, ये सुना ही हूँ, बलरामपुर कभी गया नहीं, ठीक है, ताता पानी, ततिया जाना मीन्स वो गर्म हो जाना छत्तीसगढ़ी में, ठीक है,
ताती है बोलते हैं ना बच्चे लोग को, कुछ खा रहे थे अभी मत खा, ताती है। तो ताती मतलब गर्म होता है छत्तीसगढ़ी वर्ड में, ठीक है। तो ताता पानी, कौन ततिया गए थे? बलराम भगवान, ताता पानी, ठीक। और जब ततिया गए थे तो भेड़ का रूप धारण कर लेते हैं, भेड़ का रूप मीन्स एकदम गुस्सेल, ठीक है, बस मारी जाएंगे खाई लेंगे ऐसा। तो भेड़िया पत्थर। प्रयास कीजिए, जब बता रहा हूँ तो सिर्फ सुने। दो क्रियाएं कभी भी एक साथ नहीं होती, ठीक है, दो क्रियाएं एक साथ नहीं होती, या तो आप दौड़ सकते हो या तो खा सकते हो, ठीक है। अगर दोनों क्रिया एक साथ करोगे तो दूसरी क्रिया बेहोश हो जाती है, ठीक, सही बता रहा हूँ, बेहोश हो जाती है, बेहोश उस एक्सटेंड में जितना आपका ध्यान भटका हुआ। तो 100% अटेंशन सुनने में दीजिए, बाकी मैं नोट्स तो भेजूंगा ही, ये सारे के सारे कोई ना कोई ट्रिक लिखा होगा, बस ट्रिक सुन लीजिए, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक। दो काम एक साथ नहीं होता, या तो लिख पाओगे या तो याद कर पाओगे। तो याद कर लीजिए, लिखने का काम तो घर में हो गई। भेड़िया पत्थर, क्या बता, बलरामपुर का बलराम भगवान से कैरेक्टर पूरा याद कराया। महल में रहते थे कोठी में, कोठी में, ठीक है। पवन पुत्र बलराम, तो पवई बलराम। किस में जाते थे आने जाना? वैन में करते, वैन गंगा। और ततिया गए थे कि नहीं? ताता पानी। और किसका रूप धारण करी थे? भेड़ का। तो भेड़िया पत्थर बलरामपुर जिला, याद रहेगा। सूरजपुर जिला नेक्स्ट। कोरिया सूरजपुर बलरामपुर, कोरिया हो गया ये, सूरजपुर और बलरामपुर देख चुके हैं। सूरजपुर, गर्मी में जाओगे जैसे जो गोरे हैं, अब मैं जैसे काला हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और काला हो जाऊँगा, करिया हो जाऊँगा, ठीक है, करियांडो हो जाऊँगा। और लेकिन जो गोरे लोग जाएंगे तो चेहरा लाल हो जाता है कि नहीं होता? लाल, ठीक है, स्किन लाल हो जाता है। तो और लाल रक्त भी रहता है क्या? नहीं रहता है, रहता है कि और कुछ कलर? तो रक्त लाल रहता है, ठीक है। तो रक्त भी लाल हो जाता है और सूरज में जाने से भी लाल हो जाता है, ऐसे रिलेट किया हूँ। रक्त से क्या था? रक्स भंजा, ठीक है, रक्स भंजा। पहले हरिराम पटेल में रक्स भंजा कहाँ दिया था? सरगुजा में। तो मैं ऐसे रिलेट किया था कि सर कट गया तो रक्त बहेगा ऐसे, अब वो हरिराम पटेल की किताब में सूरजपुर दे दिया नेक्स्ट में, तो अब रिलेट दूसरे तरीके से किया, ठीक है। अब वो वीडियो में डाला था 3 साल पहले, उसमें मेरे को गाली बकते हैं कि सर गलत बता रहे हो भाई, मैं तो बुक से देख के बता रहा हूँ, अब जाके तो देखा नहीं हूँ। तो रक्स बन जा कैसे भी, अब ये हरिराम पटेल को ऑथेंटिक मान के बता रहा हूँ, ठीक है, और ऑथेंटिक होगा। आप गलत पढ़ोगे तो बाकी लोग भी गलत पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं उन लोग जाके आएंगे वहाँ, ठीक। तो रक्स बन जा कहाँ? सरगुजा में। और सरगुजा में, सॉरी यार, सूरजपुर में, ठीक है, सूरजपुर में। अब बड़ी सुखाते हो नहीं सुखाते? धूप में, सूरज में बड़ी सुखाते हैं। वैसे अब क्या सुखाना है? कुंदरू। क्या सिखाओगे? कुंदरू घाग। रक्स भंजा और क्या सुखाओगे? कुंदरू सुखाना, ठीक है, कुंदरू घाग, ठीक, सूरजपुर में। इतना क्लियर? रक्स गंडा, ठीक है, गंडा कर लो, रक्स गंडा, ठीक, सूरजपुर याद हुआ। कांकेर छत्तीसगढ़ी में मतलब जोर लगाने को कांकना बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, कांक के उठा रहे, मतलब जोर लगा के उठा रहे, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कांकेर। तो कांकेर जिला के सब कांकने से ही याद किए, ठीक है, कांकने से रिलेट कर लिया, ठीक है। तो जैसे घर में मसाज करने बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरी मम्मी मसाज करें, ऐसी है मोटी तगड़ी, अब कांक के मसाज करना पड़ता था, मेरा हाथ छोटा तो मसाज करो, जब छोटा था अब तो नहीं बोलते, ठीक है। तो किसी का भी मसाज करो, जिसका भी मसाज करो, कांक के करोगे, ठीक है। तो मसाज से याद रखना मलाज कुंडम, मसाज से मलाज मलाज कुंडम, ठीक है। और कांक के मर गए, ठीक है, चर्रे मर रहे, कांक के मर गए, चर्रे मर रहे। ठीक है, कांक के बहुत सारी चीज़ें की जाती है, बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, ठीक है। तो वो वाली क्रिया नहीं, सुसु वाली क्रिया, मुत्ते खड़का, ठीक है, कांक के क्या किए? सुसु किए, मुत्ते खड़का, कांक के मुते, ठीक है, मुत्ते खड़का, कांक के
काक काक के मसाज किए मलाज कुंडम, ठीक है, काक काक के और क्या मर गए, चर्रे मर रहे और काक काक के मुत्ते खड़का। ये पिंजाड़ी में बचाना, छत्तीसगढ़ी में पजाना समझते हो, पजाना मारना भगाना, ठीक है, पजाना बजाना, ठीक, अलग अलग सेंस में अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। अब मैं सभ्य वाला कंटेक्स्ट सोच के जो विक्की समझ रहा है वो नहीं, ठीक है, तो कांक कांक के पजाए पिंजाडिन, ठीक है, ठीक है, पिंजाडिन क्लियर। पिंजाडिन क्लियर, फिर से रिपीट करा रहा हूँ, जो याद करना यही कर लो, लिखने का काम वो भेज दूंगा, नोट्स कर लेना, लिख लेना, ठीक है, यहाँ सिर्फ याद कर लो, 8 बजे तक की क्लास दूंगा, हो जाएगा। देखो बेनिफिट क्या मिलता है ये सब रिलेट कराने का, मैं बता रहा हूँ आप यकीन करना, मैं मेमोरी पावर का क्लास किया हूँ, वहाँ ये सब मेथड सिखाए गए हैं, ठीक है, एसोसिएशन मेथड बोला जाता है, रिलेशन मेथड बोला जाता है, 20 ऐसे अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स है जिसके माध्यम से आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। हर बार यही क्लास में बोलता हूँ, अगर मैं आपको भी कंप्यूटर दे दूँ और मैं खुद कंप्यूटर रखूँ, सेफ कंप्यूटर रहे, ठीक है, फिर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हो और मुझे पढ़ लो, पढ़ लो सर, अच्छा विक्स, हाँ 10% ओके, तो ये सपोज कंप्यूटर इंजीनियर है और मैं कंप्यूटर नहीं चलाने आता, उसका आउटपुट सबसे ज़्यादा कौन दे पाएगा, ये मैडम, ठीक है, और मैं कोई यूज़ नहीं कर पाऊँगा उसका। इसका कारण ये नहीं कि मुझे बेकार कंप्यूटर दिया गया है, मैडम को अच्छा कंप्यूटर दिया, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये कि ये उस कंप्यूटर का यूज़ करना अच्छे तरीके से जानती थी और मैं नहीं जानता था। सेम कंप्यूटर, आपका भी ब्रेन एक कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी वैसे ही आपकी ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी और सुपर कंप्यूटर जैसी स्टोरेज कैपेसिटी है, सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट उसका प्रोसेसिंग है, ठीक है, मैं ऐसे करूँ उसका हाथ उड़ जाएगा बचाने के लिए, ठीक है, तो प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी स्पीड है, नैनो सेकंड में वो सब काम होता है, सिग्नल आपको जस्ट चुभेगा इंस्ट्रक्शन नैनो सेकंड में पहुँच जाता है, ठीक, उसी प्रकार। तो अगर आपको मालूम हो कि आपका ब्रेन कैसे चीज़ों को याद रख पाएगा आसानी से, तो आप यकीनन वो जो 50,000 फॉर्म भर रहे हैं ना, तो 49,000 को 49,999 लोग को पीछे कर दोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यकीन मानिए आपको रिलेट करेंगे। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में फ़ायदा क्या, आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको एज इट इज़ कुछ याद नहीं करना है, बस रिलेट कर लिए, अब वो कुंदरू बस याद कर लीजिए, वहाँ ऑप्शन में कुछ कुंदरू घाट देगा, तो वो कुंदरू घाट की कुंदरू घाट ऐसा नहीं देगा, एक अलग नाम रहेगा कुंदरू और एक अलग नाम रहेगा कुछ और, कुंदरू देखते ही आपको याद आ जाएगा, कुंदरू कहाँ सुखाते हैं, सूरज में सुखाओगे और पानी वानी डाल दोगे, सूरज में सुखाओगे, ठीक है, सूरजपुर। मलाज कुंडम देखोगे ना, तुरंत क्लिक करेगा, मलाज को मसाज ऐसे याद किए थे और कांक कांक के मसाज किए थे, कांक के, ठीक है, तो एक बार सुन भी लोगे ना, और यकीन मानो आज से 37 दिन बाद एग्जाम दिलाओ, अगर ये आ गया तो याद रहेगा ऑप्शन देख के, क्लियर। कहाँ से स्टार्ट किए थे, कोरिया, राम भगवान करिया, नाला करिया, अमृत का पानी करिया, गंवार लोग करिया, रानी मैडम बने थी मैडम, छुरी थी मैडम, राज करती थी मैडम, दम गुड़ गया मेरा मैडम से, गुड़िया रानी मैडम, मोह भंग हो गया मैडम से, दान किए मैडम को, गुलू गुलू किए मैडम के साथ, और मगर जब मच के आंसू बस आती थी बाती थी मैडम, ठीक है, तो मैडम पूरा कहाँ, जसपुर। फिर बलराम भगवान पूरा कोठी में रहते थे बलराम भगवान, पवन पुत्र बलराम, वैन में घूमते थे बलराम, ततिया गए थे बलराम, भेड़ का रूप धारण कर लिए थे बलराम, सूरजपुर में सूरज से लाल हो जाता है, रक्त लाल हो जाता है, ठीक है, रक्त गंडा, ठीक है, कुंदरू सिखाए सूरजपुर में, कांक कांक के मसाज किए, कांक कांक के मर गए, कांक कांक के मुत्ते खड़का, कांक कांक के पजाए पिंजा डिन, याद रहेगा। कोरिया सूरजपुर सरगुजा नहीं हुआ ना, सरगुजा बचा,
हर टॉपिक का कुछ ना कुछ एक बेसिक आइडिया दूंगा। सपोज 20 चीज़ें हैं तो 10-12 चीज़ याद करा दूंगा, बाकी खुद से याद कर लीजिएगा ताकि पूरा सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें याद करा देता हूँ, कुछ चीज़ें आप खुद याद कर लीजिएगा। खुद कुछ भी जा घर में पढ़ोगे तो कवर होगा, नहीं तो कैसे 40 दिन में हो पाएगा, तो खुद कुछ भी पढ़ना। ठीक है, सरगुजा का याद करा देता हूँ। सरगुजा, सर से सरगुजा, सर से सर भंजा। मैन पार्ट कहाँ है मालूम? घूमे हो मैन पार्ट, गए हो सरगुजा में। ठीक है, तो मुझे याद है पहले से, इसलिए और रिलेट नहीं किया। तो सरगुजा में क्या है मैन पार्ट? ठीक, मुँह ठंड पड़ती है वहाँ। छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है, क्यों शिमला बोला जाता है? शिमला में ठंड पड़ती है, वैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शिमला मैन पार्ट में पड़ता है। ठीक है, तो मैन पार्ट में क्या है? वहाँ आस पास पॉइंट वाले जितने जगह हैं सब मैन पार्ट क्या था? टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, इको पॉइंट। ठीक है, जितने पॉइंट है सब कहाँ? सरगुजा के मतलब मैन पार्ट के आसपास क्षेत्र में है। ठीक है, तो सबके सब कौन से जिला? सरगुजा में, मैन पार्ट सरगुजा जिले में। तो मैन पार्ट के आसपास जितने भी पॉइंट वाले क्षेत्र हैं सबके सब किस में? सरगुजा जिले में। तो उसमें से एक है फिश पॉइंट, कौन सा? फिश पॉइंट। दूसरा टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट भी आपका मैन पार्ट में, लेकिन इको पॉइंट शायद ऐसी मैदानी टाइप का इलाका है, देखा नहीं हूँ, वो जलप्रपात नहीं है। तो फिश पॉइंट और टाइगर पॉइंट, ये क्या है आपके? सरगुजा में है। सरगुजा को और मैं सर से याद किया हूँ, जैसे रामगढ़ की पहाड़ी याद किए थे। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी, तो अभी फिलहाल सरगुजा में, सरगुजा का कैसे याद किया था? सर से, सर मैडम वाला सर, मतलब आप किसी को जहाँ पे भी रेस्पेक्ट देने वाला शब्द आए, ठीक है, रेस्पेक्ट देने का कोई शब्द बोध कराए तो क्या? सरगुजा। ठीक है, जैसे उदाहरण देता हूँ, आगे काम आएगा पहाड़ी, जैसे राम भगवान, तो राम राम, राम जी, राम भगवान, ऐसे इज्जत देते हो। ठीक है, तो राम, अब भगवान की जगह सर, सर भी एक प्रकार से इज्जत देने वाला काम। ठीक है, तो सर, किसी को इज्जत दे रहे हो तो सर। तो राम कहाँ? सरगुजा। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ? सरगुजा। अब सीता माता है, मैडम ना बोल के सर ही बोल दिए। ठीक है, तो सीता बेंगरा की गुफा कहाँ? सरगुजा। लक्ष्मण भी अब थोड़े पुरानी कथाएं वाले करेक्टर हैं तो इज्जत दोगे। लक्ष्मण बेंगरा भी कहाँ? सरगुजा। अजीत जोगी जी सीएम थे, पहले सीएम थे, जोगी मारा गुफा कहाँ? सरगुजा। सर बोल के रेस्पेक्ट दोगे? सरगुजा। तो वैसे ही कोई चीज़ देव रहे, देव मतलब भगवान, देव मतलब जैसे देवों के देव महादेव बोलते हैं ना, देव मतलब भगवान, तो देव रहेंगे तो सर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो देव से याद रखिएगा देव प्रवाह, और ये देव चार लिखे हो। ठीक है, देव प्रवाह देव चार, देव प्रवाह देव चार कहाँ? सरगुजा में। सर बोल के इज्जत दोगे। ठीक है, और उसके अलावा दरोगा, दरोगा मतलब पुलिस, दरोगा जी, तो इज्जत दोगे नहीं दोगे? आइए बैठिए बैठिए, चाय पीजिए ऐसा। तो दरोगा से दराबा याद करिए, दराबा भी कहाँ है? सरगुजा में। ठीक है, इतना याद रखें, सरगुजा याद हो गया, बलरामपुर, सूरजपुर। कोरबा, का से केंदई, का से कोरबा, केंदई जलप्रपात है कोरबा में, का से केंदई, का से कोरबा, याद रहेगा। गोदना जलप्रपात। ठीक है, तो गरियाबंद जिला पूरा गोरा गोरा से लेट कर गए। ठीक है, गोरा गोरा से लेट किया थे। ठीक है, तो गोरे से गरियाबंद आगे, वहाँ पे कमार जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, तो गोरा कमर ऐसे रिलेट कर लिया। ठीक है, तब गोदना कहाँ गुदवाओगे? गोरे कमर पे, तो गोरे से याद रखना गरियाबंद। तो गोदना जलप्रपात कहाँ है? गरियाबंद में। गोदना जलप्रपात गरियाबंद में, ये बस्तर में, बस्तर में। अच्छा, गद्दा दब बिछा के सोते हो, मुलायम तकिया किया कि तिरवी लगा के सोते हो? मुलायम गद्दा, लेकिन अब से क्या? तीर बिछाना है। ठीक है, तीर बिछा के, तो तीर से रखना तीरथ गढ़। और जब छोटे थे तो कार्टून वाला चादर देखते थे, नहीं देखते, जिसमें अच्छा चित्र बना हो, पेंटिंग बना हो, तकिया भी वैसी। ठीक है, एक तो बच्चे थे तो लेते थे, और जब बड़े हो गए तो दूसरे को कार्टून वाला तकिया देते हैं। ठीक है, तो इसमें चित्र बनाओ, चित्र, ये सब क्या बहुत फेमस है, जो गया होगा उसको याद होगा, जो घूम घाम के आया ना तो उसको बस्तर में याद होगा, बाकी नहीं याद है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं जानकारी है। ठीक है, तो तीरथगढ़, तीर बिछाओगे किसमें? बिस्तर में, तीर बिछा के सोना, और क्या? चित्रकूट, चित्र बस्तर में। ठीक,
एक था अमृत धारा, ठीक है, एक था अमृत धारा, एक है कांगेर धारा। तो अमृत धारा अलग है ना, ठीक है, सात धारा अलग है, ये कांगेर धारा। इसको मैं याद कैसे किया हूँ, कन्फ्यूज मत होइए कैसे। एक तो कांक काक के मुत्ते खड़गा दिए थे, और जब बचपन में थे तो कांक काक के धारा बहा देते थे छोटे थे, तो कांगेर धारा, कांक काक के धारा बहा दिए कहाँ, बस्तर में। तो कांगेर धारा किसमें, बस्तर में, ठीक है। ठीक है, एक बीजापुर, ध्यान से सुनते जाइए ना, पूछूंगा, ठीक है, पूछूंगा। एक टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा, टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज आया तो बुक गिफ्ट में मिलेगा, ताकि आप भी, आपका भी उत्साहवर्धन हो और बाकी जो देखे उनका भी उत्साहवर्धन हो, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करा रहा हूँ। सरगुजा सरभंजा, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सब सरगुजा, देव वाले सरभंजा, एक आध देव वाले नाम थोड़े दूसरे जगह उसको नॉर्मली याद कर लीजिएगा, बाकी जितने देव हैं सरगुजा, दरोगा जी, दराबा, सरगुजा, गरियाबंद, गोदना जलप्रपात। अच्छा, गोदना जलप्रपात कहाँ है, गरियाबंद में, बस्तर में तीर, बस्तर में चित्र, बिस्तर में कांगेर धारा, और अब देखते हैं बीजापुर, ठीक है। एक तांबड़ा घूमर भी है, तांबड़ा, अब जब हिंदी पढ़ूंगा तब हिंदी में तम मतलब जानते, तम मतलब क्या होता है, अंधेरा, ठीक है, तमचर बोलते हैं, जो तम में विचरे, क्या, परेतिन, राक्षस, ठीक है। तो निशाचर, तमचर, तमचर भी तो बोलते हैं, इसको तो तम मतलब अंधेरा हो गया, रात हो गया तो कहाँ, बिस्तर में सोने जाते हो, और कहीं चल दे तो बिस्तर में जाते हो, ठीक है। तो वो तांबड़ा घूमर भी कहाँ है, बस्तर में, ठीक है। तो तांबड़ा घूमर, वही तम से याद करें ना, बिस्तर में, तांबड़ा घूमर भी बस्तर में। अब बीजापुर, बीजापुर में बजाना, बजाने से पूरा बीजापुर याद क्यों, बजा दिए मीन्स मतलब किसी का बैंड बजा दिए बोलते हैं ना, बैंड बजा दिए मतलब उसका कुछ नुकसान कर दिए, कुछ मारपीट किया गए, यही होता है उसका सेंस, यही समझ आता है बैंड बजा। तो अब ये रामायण का पार्ट हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें रामायण और महाभारत से रिलेट हो गई हैं। तो एक बार हनुमान भगवान सीता माता का पता करने गए थे, कहाँ, लंका में, ठीक है, लंका में गए। अब वहाँ बात किए, फेस टू फेस कन्वर्सेशन किससे, लंका से, ठीक है, अच्छा अच्छा, रावण से, ठीक है, रावण से। अब दोनों में बातावाती हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, ठीक। तो हनुमान भगवान का क्या, पूंछ जला दिए, क्यों जला दिए, क्योंकि बंदर के लिए पूंछ उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और मतलब प्रतीक है, समझ लो उसका सम्मान का प्रतीक है। पूंछ जला दिए तो वो उसका सब कुछ जला दिए, ठीक है, लंका के साथ साथ बहुत कुछ जल गया रावण का, ठीक है। तो लंका जला दिया, तो लंका बजा के आ गए, बजा के आ गए, उसका बैंड बजा के आ गए, किसका बैंड बजा के आ गए, लंका का। तो लंका पल्ली बजा के आ गए बीजापुर, लंका का बैंड बजा के आ गए लंका से, लंका पल्ली और बजा के आ गए बीजापुर। बस है बोग तुंग, बस है बीजापुर, बस है बोग तुंग, बस है बीजापुर, कसे केंदई कसे कोरबा, बस है बोग तुंग, बस है बीजापुर, कसे केंदई कसे कोरबा। तो ये सब शुरू के जो लेटर्स रहते हैं ना, जिनका पहला अल्फाबेट बोल सकते हैं या अक्षर जो टर्म से स्टार्ट होता है, वो सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, कुछ ऑटोमेटिकली आपको जो शुरू का लेटर याद हो जाता है वो आसानी से याद रहता है। देखना, गाना याद रहता है आसानी से, पोयम याद रहता है, क्यों, कुछ राइमिंग वर्ड में चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, इसलिए कई सारी चीज़ें वो शायरी से याद कराया था ना, वो बढ़ाइए ज़िंदगी की मिठास काली मीठ के साथ और सब संभव है नीलम के साथ, तैसे वो शायरी राइमिंग वर्ड्स याद हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, ये सब राइमिंग वर्ड सिखाया जाता है, ये आसानी से प्रोसेस कर लेता दिमाग, ठीक है। तो जिसका स्टार्टिंग वर्ड सेम हो, जैसे बस है बोगतुंग, बस है बीजापुर, ठीक है, और जो राइमिंग वर्ड हो, मिलते जुलते शब्द हो, वो आसानी से याद हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो बोगतुंग कहाँ है, बीजापुर में। और जैसे शादी करते हो तो हिंदू धर्म में कितने फेरे लेते हैं, सात धारा, ठीक है। तो फिर बैंड बाजा बजाते कि नहीं बजाते, बजाते हैं, कैसी सूखा सूखा बैंड बाजा बजाते हैं, ठीक है। तो बैंड बाजा बजाए कब, जब सात फेरे लिए, सात फेरे से सात धारा, ठीक है, सात धारा। तो सात फेरे लिए, सात धारा से सात फेरे लिए, सात फेरे लिए मतलब बैंड बाजा बजाए, बजाने से बीजापुर। तो सात धारा पे कहाँ है, बीजापुर। इतना क्लियर याद हुआ, इसमें किसी कोई समस्या,
होना भी नहीं चाहिए, अच्छे से याद कराया। ठीक है, तो हो गया जलप्रपात वाला टॉपिक। 5 मिनट और बचा है, बैटरी 2%।